हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज्य सरकारी जॉब 24 में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे राजस्थान सीईटी भर्ती 2022 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, जो कि फ्रेंड्स 10+2 सीईटी का ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल से कैसे भरना है, इसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि मोबाइल से किस तरह से सीईटी 10+2 की 12वीं लेवल का ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हमको जानकारी देना चाहूंगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कंप्लीट देने के बाद ही आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि किस तरह से आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो कंप्लीट देखने के बाद ही आपको अप्लाई करना है, क्योंकि आपके को भी मिस्टेक हो जाती हैं तो वो मिस्टेक आपको यहाँ पर सुधारने के लिए क्या करना होगा, फिर से आपको यहाँ पर 300 रुपये आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लगे, इसलिए आपको वीडियो देखने के बाद ही अपना फॉर्म भरना है, ठीक है। तो जान लेते हैं कैसे भरना है। इससे पहले जाने थे आपके यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो इसमें 12 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, 18 से 21 एज लिमिट होनी चाहिए, अपर एज में छूट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एसटीएससी कैटेगरी सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पर जनरल की जनरल ओबीसी की 450 रुपये है, एसटी यहाँ पर ओबीसी की 350 रुपये, एसटीएससी की 250 रुपये है, करेक्शन फीस 300 रुपये है, ये आपकी फीस है आवेदन की। 12 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको गूगल में सर्च करना है क्या, एसएसओ आपको यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। तो एसएसओ आपको यहाँ पर सर्च करेंगे और एसएसओ आईडी के माध्यम से ही आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो पहला लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, और एसएसओ आईडी का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप लॉग इन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर फोन को तिरछा घुमा कर रखा है, ठीक है। मैंने फोन को इस तरह से यहाँ पर आडा कर रखा है, इसलिए इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। आप सीधा करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन सही से नजर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, आपको यहाँ पर लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते रहना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर जो अपनी एसओ आई डी है यहाँ पर आपको इंटर करना है, और यहाँ पर एसओ आई डी इंटर करने के बाद नीचे आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद नीचे निकालेंगे तो आपको यहाँ पर जो कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है, ये जो अंक दिखाई दे रहे हैं, इसको यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपके यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको इसको डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन यहाँ पर टिक मार करेंगे, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन इस तरह से कंप्यूटर की तरह यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल। यहाँ पर यदि यहाँ पर शो नहीं होता है तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर सर्च करेंगे, REC लिखेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन फर्स्ट में आ जाएगा, तो आपको सिंपली इसमें क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहला कार्य क्या करना है कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है तो आपको कमेंट करके बताना है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का वीडियो बनाइए, तो उस पर मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। मैं जिसका यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भर रहा हूँ उसका पहले से बन चुका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो OTR आपने नहीं किया है तो वो कर लेना है। तो OTR करने के बाद आपको यहाँ पर जो इंटरफेस देखने को मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो OTR करने के बाद डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करने से पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जितने ऑन गोइंग वाला जो रिक्रूटमेंट है इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नीचे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 RSSB, आपको अप्लाई का ऑप्शन है, आपको सिंपली इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, और जैसे आप यहाँ पर जो कैंडिडेट ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, ये वाला ऑप्शन आपकी नहीं आएगा, एक पॉपअप विंडो आपको यहाँ पर ओपन होगा जिसमें दिखाया होगा आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपको एक कैंसिल का ऑप्शन आएगा, एक ओके का, तो आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसी समय आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर लेना है, फॉर्म भरने के बाद ही आपको ये वाला अप्लाई करना है, ठीक है। तो जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है उसके सामने डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन आपको ओपन होगा, सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो जनरल डिटेल्स हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन से ऑटोमेटिकली यहाँ पर पहले से ले ली जाएगी, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पर ली हुई हैं, ठीक है। जो भी डिटेल्स यहाँ पर छूटी हुई है आप इसको फिलअप करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं उप दिव्यांग श्रेणी का यहाँ पर छूटा हुआ है तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपने पहले ही यहाँ पर इसको फिलअप किया हुआ है, ठीक है। जो भी अपडेट यहाँ पर दिया गया है उसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर अपना जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप यहाँ पर इंटर कर लेना है।
तो फ्रेंड्स कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर हाइड कर रहा हूँ यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज के लिए, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बता देना, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर का ऑप्शन दिखाई देखने को मिलेगा, इसमें आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर दे सकते हैं नो वाला है यस वाला, तो मैं यहाँ पर नो कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर देखते हैं क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो यस करेंगे, अन्यथा आपको यहाँ पर नो कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आएंगे, आपका एड्रेस वगैरह देखने को मिल जाता है। इसके बाद नीचे कोने में आपको यहाँ पर दे सकते हैं कोने में नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, आपको सिंपली इसमें क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स यहां पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहां पर नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको यहां पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही है, तो आपको यस कर लेना है, यदि गलत है तो नो करके उसको अपडेट कर लेना है। तो हमारे सही है, यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले इंडियन वाला आपको यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट आपका जो भी स्टेट है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या भूतपूर्व सैनिक है या नहीं है, आपको यहाँ पर यस या नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है यस, तो आप यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, यदि नहीं है तो भूतपूर्व है तो आप यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं या नहीं है, जैसे आप यहाँ पर यस करेंगे तो स्क्रू आपको यहाँ पर टाइप आपको सेलेक्ट करना है, कौन से है, नेशनल है इंटरनेशनल खेला है, आपके अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर राज्य राजस्थान राज्य के कर्मचारी है या नहीं है उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। आपकी वार्षिक आय 2.50 लाख से कम है क्या, आपकी वार्षिक आय 2.50 लाख से कम है, यदि कम है तो आप यस करेंगे, 2.50 लाख से ज्यादा है तो आपको यहाँ पर नो कर लेना है, ठीक है। तो यस है, मैं यहाँ पर यस कर लेता हूँ। इसके बाद यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कर्मचारी वर्ग के अंतर्गत करना चाहते हैं, ठीक है, क्या आप कर्मचारी वर्ग के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, यदि आप कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर लेना है। इसके बाद एडिशनल कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसमें यहाँ पर क्लिक करना है और इनमें से किसी में से भी आप बिलोंग करते हैं तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, यदि इसमें से आप बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, इन कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन है, आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन है नेक्स्ट का, आप सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर एग्री का ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर टिक मार्क का ऑप्शन है, आपको इसे टिक मार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, नीचे आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स इसमें 12वीं पास कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास मांगा गए हैं, तो आपको यहाँ पर 10वीं की और 12वीं की डिटेल्स एंटर करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर विषय समूह यहाँ पर लिख लेना है, जो कि 10वीं में कौन होते हैं, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है, ठीक है, ऑल, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी स्कूल का नेम, ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पर आपके अनुसार जो आपकी स्कूल है स्कूल का नेम आपको यहाँ पर लिख लेना है इस तरह से, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से आपको यहाँ पर सकते हैं आपका बोर्ड का नेम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर स्कूल का नेम लिख सकते हैं। इसके बाद आपको रोल नंबर डालेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो परिणाम है, परिणाम आपको यहाँ पर सीजीपी है, ग्रेड है, आपके अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है उत्तीर्ण होने का वर्ष, आपको यहाँ पर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी जो परसेंटेज है परसेंटेज इंटर यहाँ पर कर लेना है, 10वीं में कितनी परसेंट थी। इसके बाद नेक्स्ट है 12वीं की डिटेल्स आपको यहाँ पर इंटर करना है, जिसमें आपको यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी या फिर इक्वल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, पहला वाला, ठीक है, सेकेंड वाला, ठीक है, यदि यहाँ पर ई एक सर्विसमैन वाले कैंडिडेट है तो पहला वाला आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो सीनियर सेकेंडरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट समूह है आपका कौन सा सब्जेक्ट था आपके अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नेम आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है, आपके कौन से बोर्ड से आपने पास किया है। आपका रोल नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है, आपका रोल नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है परसेंटेज या फिर रिजल्ट अपियरिंग वाले कैंडिडेट वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो परसेंटेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपका जो भी पासिंग ईयर्स है अपना पासिंग ईयर्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी परसेंटेज है अपनी यह परसेंटेज आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर अपनी परसेंटेज यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 10वीं 12वीं की डिटेल्स यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन यानी कि आपके ग्रेजुएशन है बीए बीएससी है तो आप वो भी डिटेल्स यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद पूरी डिटेल्स आपने इंटर कर ली है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है।
जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसने फोटो और साइन पहले से यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि आपने पहले यहाँ पर OTR किया था, OTR करते समय आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए थे, तो यहाँ पर पहले से आ चुका है, आपको फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर बॉडी मार्क है, आपकी कोई भी शरीर में कोई भी मार्क है तो यहाँ पर मार्क का नाम लिख सकते हैं, नहीं है तो नो मार्क या फिर NA की एंट्री यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट का वाला ऑप्शन है, आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दे सकते हैं आपका फॉर्म का प्रीव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसी तरह से आपको यहाँ पर इसको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर टिक मार्क का निशान है, आपको इसमें टिक मार्क कर लेना है। ठीक है, तो मैं जैसे कि यहाँ पर टिक मार्क कर लेता हूँ, इस तरह से आपको टिक मार्क कर लेना है। टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पर यदि इसमें कोई भी संशोधन करना चाहते हैं, कोई भी गलती लगती है तो यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं अपनी डिटेल्स को। आपको लगता है कि सही है तो आपको यहाँ पर जो फाइनल सबमिट का ऑप्शन है आपको इसमें क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर यहाँ से देखते हैं आई हैव रीड अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म एग्री अबिड बाय डेम। ठीक है, तो आपको इसमें एग्री कर लेना है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर टिक मार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी जनरल डिटेल्स हैं, पूरी की पूरी जनरल डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, और टेम्परेरी जो ट्रांजेक्शन नंबर है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, इसको नोट डाउन कर लेना। यदि आपका कोई भी पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो ये बाद में आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर इसका नोट डाउन जरूर कर लेना, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल पीस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 250 है, जो कि यहाँ पर ST कैटेगरी का है। ठीक है, ST और SC कैटेगरी का 250 रुपए पीस है। इसके बाद आपको यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन है, नीचे पे पीएस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रिंट्स आपको यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर से प्रिंट्स आपको यहाँ पर ओके का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी फीस यहाँ पर बढ़ चुकी है, यानी कि 11 रुपया अलग एक्स्ट्रा यहाँ पर चार्ज लगने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने ATM कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्रीगेटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यदि नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट रहने देंगे। ठीक है, तो ATM से सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर एग्रीगेटर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे ही यहाँ पर सेलेक्ट बैंक का, आपको यहाँ पर सेलेक्ट बैंक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पेटीएम, ठीक है, पेटीएम आल कार्ड नेट बैंकिंग आपको यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पे नाउ का, आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पेटीएम के माध्यम से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं पोस्टपेड वॉलेट या कार्ड UPI से। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपका यहाँ पर जो पेटीएम में जो भी नंबर रजिस्टर्स हैं मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। इसके बाद प्रोसीड सिक्योर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर ATM से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ATM प्रीपेड कार्ड डेबिट कार्ड आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका कार्ड नंबर, आपका एक्सपायर CV डेट, आपको यहाँ पर CV डेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपकी जो भी जनरल डिटेल्स है, कार्ड नंबर, एक्सपायर डेट, CV नंबर डालेंगे। इसके बाद पे का नाउ का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट है, पेमेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP का OTP को वेरीफाई करने के बाद पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट होता है, इसके बाद आपको यहाँ पर माय रिक्वायरमेंट पोर्टल है, आपको इसमें क्लिक करना है अपना प्रिंट आउट निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। यहाँ पर जैसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई नहीं किया, यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के लिए यहाँ पर जैसे ये वाला ऑप्शन है देखने को मिलेगा, जिसमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, व्यू एप्लीकेशन, आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देखते हैं जो काला निशान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाला आपको इसमें क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका प्रिंट आउट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर इसका जो प्रिंट आउट का जो ऑप्शन है हटा दिया गया है, तो यहाँ से अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर CET 10+2 11 के 12वीं पास लेवल का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं अपने मोबाइल से। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा दिया है। वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और CET की यहाँ ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है फ्री में। आपको यहाँ पर GK, ठीक है, आपको यहाँ पर GK प्लस आपको यहाँ पर हिंदी की 100% आपको यहाँ पर सिलेक्शन वाली क्लास लगने वाली है, तो चैनल से जल्द जुड़ जाइए, वही फ्री में आपको यहाँ पर क्लासें करवाई जाएगी। वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।